एलिमेंट्स को जब क्लासिफाई किया गया तो बहुत सारे लोगों ने एफर्ट किया, लेकिन पहला पहला मीनिंगफुल जो है क्लासिफिकेशन किया डोब्रिनियर ने। तो डोब्रिनियर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अपना एक मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है ना। देखो जब डोब्रिनियर ने 1817 में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की तो उस समय अप्रॉक्स 30 प्लस एलिमेंट्स के बारे में पता था, लेकिन डोब्रिनियर ने केवल 9 एलिमेंट्स को ही सही तरीके से अरेंज कर पाया डोब्रिनियर चाहते थे या फिर अरेंजमेंट का या क्लासिफिकेशन का मोटिव यह है कि एक जैसे टाइप के एलिमेंट को एक साथ रखा जाए, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को अलग अलग रखा जाए, सारी चीजें मिक्सअप या मैसअप ना हो, ये क्लासिफिकेशन की जरूरत है। तो डोब्रिनियर ने क्या किया कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनके जो है ट्रायड बनाए। क्या बनाए? ट्रायड। ट्रायड का मतलब है 3 एलिमेंट्स के पेयर। तो उन्होंने, और ये पेयर की कुछ खासियत थी, क्या बोला कि क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एक जैसे एलिमेंट्स एक साथ आने चाहिए। तो इन पेयर्स की क्या खासियत थी कि भाई इन्होंने क्या किया, ट्रायड बनाए। पहले ट्रायड में किसको रखा? लिथियम सोडियम पोटेशियम। दूसरे ट्रायड में रखा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तीसरे ट्रायड में रखा कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड आपका बेरियम। कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ठीक है ना। अब इन्होंने जो है, देखो क्लासिफिकेशन किसी किस चीज को देख के किया जाता है, भाई इन्होंने 3 पेयर बनाए, किस चीज को देख करके बनाए, है ना। कुछ तो देखा होगा कि भाई ये काला है, गोरा है, ब्लू कलर का है, रेड कलर का है ना। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा एटॉमिक मास। क्या देखा? एटॉमिक मास। डोब्रिनियर ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन दी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन दी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या कि एक एटम का मास। अब एटम के मास को मेजर करने के लिए केजी किलोग्राम काफी बड़ी यूनिट होती है, इसलिए जो है हम AMU दैट मींस एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर करते हैं। तो अगर हमने कहा कि भाई लिथियम का एटॉमिक मास है 7, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम का एटॉमिक मास है 7 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो डोब्रिनियर ने क्या प्रेफरेंस रखी, डोब्रिनियर ने क्या स्टैंडर्ड रखा क्लासिफिकेशन का, तो उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जो है अरेंजमेंट किया। देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो पहला वाला 7 23 39 इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 35.5 80 127, ये इसका एटॉमिक मास है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो आपको पहली बात याद रखनी है कि डोब्रिनियर ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जो है क्लासिफिकेशन किया। और उसके बाद इन्होंने जो ट्रायड्स बनाए इनकी खासियत कुछ इस तरह से थी कि यदि हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालें, फर्स्ट का एटॉमिक मास 7, थर्ड का एटॉमिक मास 39, अगर हम इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालें तो जो है बीच वाले दैट मींस मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर या अप्रॉक्स आएगा। बात समझ में आई? तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास में कुछ ना कुछ जो है कलाकारी देखने को मिल रही है नेचर में, इस तरह से इन्होंने इनको अरेंज कर दिया। कितनी अच्छी बात है कि इन दोनों को आपने अरेंज किया और बीच वाले का जो है आपको एटॉमिक मास मिल गया। इसी तरह से इन्होंने क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 80 एंड आयोडीन का 127, इन्होंने इसको अरेंज किया कि भाई इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो आपका एवरेज निकल के आता है 81.25 अप्रॉक्स, जो कि 80 के बराबर है। तो अच्छी बात है ये भाई। इसी तरह से जो है इन्होंने कैल्शियम का किया 40 88 137, तो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाला तो आपका अराउंड 88.5 आ गया। तो डोब्रिनियर ने क्या किया, डोब्रिनियर ने बढ़िया से तरीके से जो है अरेंजमेंट किया कि करीब 9 एलिमेंट्स को इन्होंने जो है सही तरह से अरेंज कर पाया, ठीक है। तो ये तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इंपोर्टेंस क्या, तो इंपोर्टेंस आप बोल दोगे कि डोब्रिनियर अरेंज्ड 9 एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन सच अ वे दैट एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट गिव्स द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, ठीक है। ये इसकी इंपोर्टेंस थी। इंपोर्टेंस में आप लिखेंगे कि भाई इन्होंने एटॉमिक मास के बिहेवियर के बारे में बताया। इसके बाद अगर हम बात करें लिमिटेशन की, तो भाई डोब्रिनियर ने जो क्लासिफिकेशन किया उसकी लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन में आप लिख सकते हैं कि भाई पहली लिमिटेशन जो है ये केवल कितने एलिमेंट को इन्होंने अरेंज कर पाया, कुड अरेंज ओनली 9 एलिमेंट्स।
सभी एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज नहीं कर पाया। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी कि जो है जो भी इन्होंने अरेंज किए उनमें भी एग्जैक्ट वैल्यूज निकल के नहीं आ रही थी। भाई इसका 81.25 आंसर आ रहा है लेकिन जो है ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना है 80 है ना, तो ये थोड़ा बहुत अप्रोक्स में जा रहा है, इसी तरह से ये भी अप्रोक्स में जा रहा है। तो डोब्रिनियर ने अटेम्प्ट तो किया, मीनिंगफुल अटेम्प्ट था क्योंकि ये सबसे पहले इन्होंने ही तो कुछ ना कुछ क्ल्यू दे पाया। इसके बाद जो है अरेंजमेंट या फिर कहा जाए क्लासिफिकेशन जो मटेरियल किया वो न्यूलैंड ने किया। अब न्यूलैंड ये कहानी को समझते हैं और इस कहानी को बोर्ड से हटाते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब न्यूलैंड पहुंचते ठीक है, हटा दे इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।